नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह। कहते हैं राजनीति में आजकल जो कुछ है वो किसी बॉलीवुड के मसाला फिल्मों से कम नहीं है। तस्वीर सामने हम आपको दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग ठीक उस काफिले के पीछे हैं जिस काफिले में अभी झारखंड की पूरी सरकार शामिल है। जी हाँ, ये जो काफिला आपको दिख रहा है दरअसल इसी काफिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सभी कैबिनेट के मंत्री, उनके पार्टी के विधायक, उनके गठबंधन घटक दल के विधायक, कांग्रेस के सभी विधायक, आरजेडी के विधायक, तमाम विधायक मौजूद हैं। और अभी फिलहाल जो है रांची से हम लोग करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये काफिला लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल कई सारी जानकारियाँ इस बीच में मिल रही है कि ये काफिला छत्तीसगढ़ तक जाएगी, ये काफिला आगे कहाँ जाकर रुकेगी। हम लगातार इस काफिले के साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये पॉलिटिक्स जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स का एक अच्छा खासा प्रभाव जो है अब देश की राजनीति में खासतौर से ये सामने देखिए कि किस तरीके से जो है इसमें सीएम के गाड़ियों का भी काफिला है, तमाम विधायक जो हैं उनके गाड़ियों का भी काफिला है, कुछ समर्थक जिनको ये मालूम चला कि पूरी सरकार ही कहीं जा रही है तो उनका भी काफिला यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। आगे आपको हम दिखाने हैं, चूंकि हम लोग सबसे पीछे की तरफ हैं इस वजह से वो बस नहीं दिखेगी आपको, जिन तीन बसों में फिलहाल जो है पूरी सरकार सवार है, यानी कांग्रेस के सभी विधायक, आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक, सभी विधायक जो है उन काफिलों पर उन बसों पर सवार हैं और वो बसें, तीन बसें जो है निकल रही है। यह पूरी कहानी शुरू हुई उस वक्त से जब ये खबर निकल कर आई कि खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो ये है सदस्यता है वो चली जाएगी, और उसके बाद से लगातार जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो बिसात है वो बिछने लगा। और इसकी चर्चा पहले से ही थी कि ये पूरा जो विधायक हैं, पूरे विधायक हैं गठबंधन सरकार की, उनको दूसरे किसी राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। तो आगे हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे, जब ये विधायक पहुंचेंगे कहीं, वहां पहुंचेंगे तो वहां कहां रुकेंगे, क्या करेंगे, ये सब दिखाएंगे। फिलहाल ये काफिले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नमस्कार।